एक संत थे जो वृंदावन में रहा करते थे। श्रीमद् भागवत महापुराण में उनकी बड़ी निष्ठा थी। उनका नियम था कि वह रोज एक अध्याय का पाठ करते और राधा रानी जी को अर्पण करते। वो संत कहीं आते जाते भी नहीं थे। लोग भक्ति भाव में उनको कुछ खाना पीना भी उनकी कुटिया पर ही दे जाते थे। वो संत भी अपनी कुटिया में बैठे बैठे या तो राधा रानी के नाम का जाप करते रहते या श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते। ऐसा करते करते उन्हें सालों बीत गए, पर एक दिन भी ऐसा नहीं था जब उन्होंने राधा रानी जी को भागवत का अध्याय ना सुनाया हो। अब उनकी कुछ उम्र भी हो चली थी। एक रोज जब वो भागवत का पाठ करने बैठे तो उन्हें अक्षर बहुत धुंधले से दिखाई दे रहे थे। थोड़ी देर बाद तो दिखना और भी कम हो गया। अब उनकी आंखों में आंसू आ गए। उनके ये आंसू इसलिए नहीं थे कि आंखें जा रही है, बल्कि इसलिए थे कि अब पाठ कैसे करेंगे। उनके मन में भारी दुख हो रहा था कि अब राधा रानी को भागवत कैसे सुना पाएंगे। वो मन में श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? रोते रोते सारा दिन ढल गया और शाम हो गई। उस दिन उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि उनका नियम था कि वो पाठ राधा रानी को सुनाकर उन्हें समर्पित कर ही खाना खाया करते थे। तभी उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। वैसे ही उन्हें धुंधला दिख रहा था। वो बड़ी मुश्किल से दरवाजे तक पहुंचे और बोले, कौन है? एक बालक की आवाज़ आई। वो बोला, बाबा, माँ ने खाने का सामान भेजा है। वो संत बोले, खाना नहीं चाहिए, जब तक नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। वो बालक बोला, कौन सा नियम बाबा? अब जैसे उस संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। वो बोले, मैं रोज राधा प्यारी को भागवत का पाठ सुनाता हूँ और फिर ही कुछ खाता हूँ, पर आज मेरी आंखें चली गई। यह कहकर वह रोने लगे। बालक उन्हें रोता देखकर बोला, अच्छा, आंखें चली गई इसलिए आप दुखी हैं? वो संत बोले, अरे, ये आंखें किसको चाहिए, मैं तो इसलिए दुखी हूँ कि अब किशोरी जी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। उनकी बात सुनकर वो लड़का बोला, बाबा रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। बाबा वहाँ खड़े ही रह गए। इतने में बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, ये पट्टी अपनी आँखों पर बांध लो। अब हाथ में पट्टी पकड़ाकर वो लड़का भाग गया। बाबा अपने दुखी मन से अंदर आकर जमीन पर लेट गए। बाबा ने सोचा, लगता है किसी वैद्य का लड़का होगा, कुछ इलाज विलाज जानता होगा। अब उन्होंने आँखों पर पट्टी बांधी और सो गए। जब बाबा उठे तो उन्हें सब साफ साफ दिख रहा था। बाबा बड़े प्रसन्न हुए। बाबा ने सोचा, देखता हूँ उस लड़के ने पट्टी में क्या औषधि मिलाई है। बाबा ने देखा, उस पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर बाबा फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे, आपके नाम की भी कितनी महिमा है। बाबा बोले, मुझसे श्लोक सुनने में आपको भी कितना आनंद आता है। बाबा बहुत खुश थे। पूरे उत्साह के साथ वो जल्दी से उठे और स्नान आदि कर पाठ करने बैठ गए। आज उनकी आवाज में एक अलग ही खनक थी, और होती भी क्यों ना। स्वयं किशोरी जी और बांके बिहारी जी ने उन पर इतनी कृपा जो की थी।
बोलो राधे रानी की जय, श्याम प्यारे की जय। दोस्तों, अगर आप